दिनों में बांग्लादेश में जो हालात पैदा हुए हैं उसके बाद से वहां पर रह रहे भारतीयों में भी काफी ज्यादा खौफ का नजारा देखने को मिल रहा है। जो भारतीय बांग्लादेश से वापस लौट कर आए हैं उन्होंने पूरे खौफ की कहानी सुनाई है। क्या कुछ कहा है आपको दिखाते हैं। इन पे अटैक हुए हैं बट इंडियंस के लेटेस्ट क्वाइट सेफ फॉर द एक्सपैट्स, सो नाउ फ्लाइट सर्विसेज हैज आल्सो बीन रिज्यूम्ड, सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। इंडिया ट्रीटमेंट के लिए आया है। ट्रीटमेंट के लिए जी, अपोलो हॉस्पिटल में। अपोलो में तो वहाँ क्या सिचुएशन है, हिंदूज की क्या कंडीशन है वहाँ पर? ना इजिया से अभी क्या सिचुएशन है बांग्लादेश में? ओके नो प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। तो राइट्स वगैरह हो गए थे वहाँ? हमने देखा काफी ज्यादा तोड़ फोड़ और वॉयलेशन हो गया। सम वायलेंस इन एरिया, सम एरिया। वहाँ पर मेरा सरकार तो देश पे नहीं है, एखन मेरे देश पे स्टूडेंट में कुछ बोला था, हमारा देश एखन या सेनाबाहिनी के पदस में। स्टूडेंट की क्या कंडीशन? स्टूडेंट एखन ठीक है, स्टूडेंट एखन पैनिक है। पैनिक है वहाँ? है। द ग्राउंड रियलिटी इज आर्मी हैज टेकन ओवर द सिचुएशन एंड currently situation is good। और अब बात करेंगे सिपाही भर्ती परीक्षा की। बिहार में आज सिपाही भर्ती परीक्षा शुरू हो रही है और आज से इसकी शुरुआत हो रही है। ऐसे में बिहार के अलग अलग जिलों में जो सेंटर बनाए गए हैं वहां पर परीक्षार्थियों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि यूपी से भी कुछ परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए एग्जाम सेंटर पर पहुंचे हुए हैं जहाँ उन लोगों की कड़ी चेकिंग भी की जा रही है। इस बार कदाचार मुक्त परीक्षा कराने के लिए कड़ी जांच की जा रही है। सासाराम में 10 सेंटर पर परीक्षा का आयोजन किया गया जिसमें 6,166 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। सेंटर पर सघन चेकिंग अभियान जारी है और अभी बरसात का मौसम है तो ऐसे में जूता खोलकर हो रही चेकिंग से परीक्षार्थियों को काफी परेशानी हो रही है। बाल विकास विद्यालय परीक्षा केंद्र पर पहुंचे अभ्यर्थियों ने बिहार में निकली वैकेंसी और परीक्षा की बेहतर व्यवस्था की तारीफ की लेकिन बारिश की वजह से हो रही परेशानी पर नाराजगी भी जताई। नहीं होगा या नहीं होगा बस भगवान के भरोसे। तो बिहार में रोजगार है अब? यूपी से ज्यादा रोजगार बिहार में ही है। बेरोजगारी इतना मानना पड़ेगा ना कि देखिए टीचर का हुआ था इतने तो यूपी से अच्छे खासे टीचर हुए यहाँ पे, यूपी में वैकेंसी नहीं आ रहे तो यहाँ पर आना पड़ेगा ना सबको। वैसे तो बिहार सरकार बहुत अच्छी थी, वैकेंसी किसी निकाली पड़ी लेकिन यही थोड़ा पेपर लीक हो जा रहा है, यही थोड़ा दिक्कत है बकिया कोई। और इस बीच आपको बड़ी खबर रक्सौल से बता दें जहां पर अपराधियों ने गेटमैन को गोली मार दी है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने एक गेटमैन को गोली मार दी जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया है जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आपको बता दें कि रक्सौल सुगौली रेलखंड के मसनाडी हॉल्ट के पास की ये घटना है। जख्मी हालत में रक्सौल एसआरपी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। घायल व्यक्ति रामगढ़वा प्रखंड के जैतापुर बिंद टोला निवासी अंसारुल हक बताया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और अगली खबर आपको समस्तीपुर से बता दें। समस्तीपुर में समोसा के साथ प्याज नहीं मिलने पर लोगों ने जमकर तोड़फोड़ किया है। बताया जा रहा है कि इस मारपीट के दरमियान एक युवक घायल हो गया है। जानकारी के मुताबिक ये पूरा मामला जो है वो समस्तीपुर का बताया जा रहा है जहां लिट्टी और समोसा के साथ प्याज नहीं मिलने से नाराज लोगों ने मारपीट की। इसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है जिसे इलाज के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि शहर के 12 पत्थर चौक पर दो युवक नाश्ता करने गए थे और समोसा लिट्टी का ऑर्डर दिया था। इसके बाद दुकानदार से प्याज की डिमांड की गई लेकिन जब दुकानदार ने प्याज देने से इनकार किया तो गाली गलौज के साथ मारपीट की गई। दुकान में रखे सामान को तोड़ दिया गया। टूटे शीशे की चपेट में आने से हंगामा कर रहा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। नगर थाने को मामले की जानकारी दी गई जिसके बाद पुलिस की टीम जाँच कर रही है। लिट्टी समोसा खाएं, प्याज का फांग कियो रंगदारी किया, प्याज नहीं देंगे खाना है तो खाओ ना, नहीं तो निकलो यहाँ। उसी पे हम बोले कि आप खिलाते हैं तो प्याज दीजिए, उसी पे हाथ उठा दिया। हाथ उठा दिया तो ये भी जो है मतलब कोला पोथीला मारे हैं उसी में जो है वो लोग पूरा पांच हाथ उठा लिया तो पूरा जो है सो हम यहाँ पे भागे हैं। उसके बाद जो है सो पकड़ा दिया, उसको पहुंचा रहा है।
और पूर्णिया में तनिष्क शोरूम में हुई लूटकांड के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 26 जुलाई को पूर्णिया में तनिष्क शोरूम में करीब 3,70,00,000 की डकैती हुई थी, जिसमें पुलिस ने एक और अभियुक्त अभिषेक श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया है। सदर SDPO ने कहा कि खजांची हाट थाना के हाउसिंग कॉलोनी से अभिषेक श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया गया। अब तक इस मामले में कुल 7 अपराधी गिरफ्तार किया जा चुका है। अभिषेक श्रीवास्तव लूटकांड के अपराधियों का मदद कर रहा था। तनिष्क लूटकांड की साजिश बेऊर जेल से रची गई थी। अभी गिर चल रही है, अपडेट है, अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अपडेट है कि केस का उद्भेदन हुआ, आने गिरफ्तारी जो ऑपरेटिव गैंग है उसको गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। अभिषेक श्रीवास्तव नाम आपके गिरफ्तारी? हाँ, उसको इंट्रोगेट कर रहे हैं, उसको अभी हिरासत में लेकर। सात, अगर इसको अगर एविडेंस अच्छा आता है तो इसको गिरफ्तार करके तो 7 गिरफ्तारी। ये अभिषेक श्रीवास्तव का क्या है इसमें रॉ? इसका भी जो लाइनर वाले ग्रुप था उसके साथ इसका एसोसिएट्स है। और खबर आपको नवादा से बता दें, जहां PNB बैंक में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि यहां पर करीब कई सारे लोगों से करोड़ों रुपए का गबन का आरोप इस बैंक पर लग रहा है। मेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के नाम पर ग्राहकों से 1.5 करोड़ रुपए की राशि गबन का आरोप है। हालांकि मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए बैंक के पूर्व शाखा प्रबंधक समेत 6 बैंक कर्मियों को निलंबित कर दिया गया। इस कार्रवाई से बैंक में हड़कंप मचा हुआ है। मामले का खुलासा तब हुआ जब मंगलवार को पटना से पंजाब नेशनल बैंक की 3 सदस्यीय टीम मामले की जांच करने के लिए बैंक की शाखा पहुंची थी। बताया जा रहा है कि बैंक के जोनल हेड के निगरानी में पूरे मामले की जांच हो रही है और जैसे जैसे बैंक कर्मियों की संलिप्तता इस गबन में सामने आ रही है वैसे वैसे सभी पर कार्रवाई भी की जा रही है। बैंक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पंजाब नेशनल बैंक से टैगिंग है और यहीं से अकाउंट होल्डर को मेट लाइफ की जानकारी देकर उसका इंश्योरेंस कराया जाता था। मेट लाइफ में पॉलिसी में फ्रॉड हुआ है आपके साथ? कितना का हुआ है? लमसम 7 पॉलिसी है, 7 साल का। पॉलिसी कब करवाए थे? 2017। और कब दिया इसका थे बॉन्ड पे? 2022। अब क्या समस्या आ रहा है? वो फ्रॉड है। मार्च 2023 को PNB मेट लाइफ के नाम पर 5,00,000 का चेक अपने अकाउंट से दिया, जो मुझे अपनी पत्नी शोभा देवी के नाम पर मेट लाइफ करवाना था। मेट लाइफ को मैं जानता भी नहीं था, हम FD करवाने गए थे, लेकिन तत्कालीन मैनेजर राकेश रंजन और रिकवरी एजेंट नवीन प्रसाद जो लोकल आदमी है, पुराना परिचित है, इन लोगों ने सलाह दिया। तब हम विनय कृष्ण तत्कालीन मेट लाइफ के एजेंट को 5,00,000 का चेक दिया, उसने एक कंप्यूटर द्वारा प्रिंट रिसिप्ट दिया। और अगली खबर आपको बेगूसराय से बता दें, बेगूसराय में एक निजी स्कूल में दबंगों ने करीब 250 छात्रों को कैद कर दिया है। आलम यह हो गया है कि जो बच्चे हैं ना स्कूल से बाहर जा पा रहे हैं और ना ही परिजन बच्चों से मुलाकात कर पा रहे हैं। क्या है पूरा मामला आप इस रिपोर्ट में देखें। छात्र बने बंधक, प्रशासन मुख दर्शक, स्कूल में कैदी बने 250 बच्चे। 7 दिन से बच्चे भगवान भरोसे।